सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपनी ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज सुबह 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि ये महीना पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है और ऐसे में पोषण माह की गतिविधि का कैलेंडर जारी हो गया है कि इस महीने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कौन सी तारीख में कौन से दिन कौन सा कार्यक्रम मनाया जाएगा और उस कार्यक्रम की मुख्य थीम क्या रहेगी। तो बहनों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको पूरा देखिए और एक कॉपी पेन पर इसको नोट भी कर लीजिए या फिर अपने मोबाइल में चलते हुए वीडियो में स्क्रीनशॉट अपना बीच बीच में ले लेना और उन चीज़ों को अपने फ़ोन में सुरक्षित रख लेना। तो बात करते हैं यहाँ पर इस हम पोषण गतिविधि कैलेंडर की। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 1 सितंबर से 3 सितंबर तक पोषण माह की इस गतिविधि कैलेंडर के हिसाब से क्या क्या होना था। तो जैसा कि 3 सितंबर तो गुजर चुका, लेकिन हम जानकारी जरूर रख लेंगे ताकि रजिस्टर अगर मेंटेन करेंगी आप कि पोषण महीने में आपने कौन सी डेट में क्या मनाया, तो उसमें काम करने में आपको मदद मिल जाएगी। तो जन्म से 6 माह तक केवल स्तनपान एवं संपूर्ण आहार से रिलेटेड था 1 से 3 सितंबर तक का कार्यक्रम। अब इसके अंतर्गत गतिविधियां क्या कराई गईं? समस्त ग्राम पंचायत, वार्ड और आंगनबाड़ी केंद्र, इन पर पोषण रैलियां हुई, स्तनपान विषय पर गृह भ्रमण हुआ और स्तनपान एवं ऊपरी आहार पर जागरूकता कैंप लगे, परामर्श सत्रों का आयोजन किया गया, जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान, 6 माह तक केवल स्तनपान, 6 माह बाद ऊपरी आहार, इनके साथ 2 वर्ष तक स्तनपान जारी भी रखना और VHSND सत्र। ये हो गई आपकी गतिविधियां जो 1 से 3 सितंबर तक मनानी थी, जिसका मुख्य थीम भी मैंने आपको बता दिया, ये वाला मुख्य थीम था। अब हम बात करते हैं 4 सितंबर से 6 सितंबर तक का, यानी आज 5 सितंबर है तो आज इसमें से ही चीजें मनाई जाएंगी, जिसका मुख्य थीम क्या रहेगा? पोषण जागरूकता और रेसिपी प्रतियोगिता। तो 4 सितंबर यानी कल जो था, आज 5 सितंबर जो रहेगा और कल 6 तारीख को भी जो रहेगा वो रहेगा पोषण जागरूकता और रेसिपी प्रतियोगिता। अब इनके तहत आप देख रहे हैं कि गतिविधियां कौन कौन सी करनी होंगी। तो समस्त ग्राम पंचायत, वार्ड, आंगनबाड़ी केंद्र, इन पर प्रभात फेरियां भी निकाली जाएंगी और समस्त ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालय, इनमें खेल खेल में बच्चों को पोषण के विषय में जागरूक करना किया जाएगा, विभिन्न खाद्य समूहों का उपयोग करना बताया जाएगा और पूरक आहार को बनाए जाने के लिए प्रदर्शन सत्र का भी आयोजन होगा। स्थानीय उपलब्ध जो खाद्य समूह हैं उनका प्रयोग करते हुए पोषण जागरूकता और रेसिपी प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी। ऐसे ही फिर निबंध रहेगा, चित्रकला प्रतियोगिता रहेगी समस्त विद्यालयों में भी और मदरसों में भी, विचसंडी सत्रों का भी आयोजन होगा। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये 4 से 6 सितंबर के बीच में मुख्य थीम और साथ ही उसकी गतिविधि। बाकी प्रतिभागियों में आप सामने देख रहे हैं, सब में आंगनबाड़ी बहने हैं, आशा हैं, ग्राम प्रधान हैं, अध्यापक हैं, स्वयं सहायता समूह है, सब में ये लोग शामिल रहेंगे। नोडल अधिकारियों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामिल हो सकते हैं, DPO हो सकते हैं, NRLM वाले हो सकते हैं, DC और ऐसे बहुत से लोग हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हो सकते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक हो सकते हैं, नगर पंचायत समस्त CDPO हो सकते हैं, इस तरह से। तो देखो फिर आगे क्या होगा, 7 से 8 सितंबर के बीच में इस कार्यक्रम को जो मनाया जाएगा वो कैसे होगा। तो 7 तारीख से और 8 तारीख यानी 2 दिन स्वस्थ बालक स्पर्धा का आयोजन होगा, वजन दिवस मनाया जाएगा इस गतिविधि के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायत, वार्ड और आंगनबाड़ी केंद्र पर विशेष वजन अभियान भी संचालित किए जाएंगे और वृद्धि निगरानी की जाएगी, सैम बच्चों का चिन्हांकन होगा, सैम मैम दोनों का, स्वस्थ बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और पुरस्कार का वितरण होगा।
और साथ ही मेहंदी प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। तो ये सब होगा स्वस्थ बालक स्पर्धा के अंतर्गत 7 सितंबर और 8 सितंबर को ये मनाया जाएगा। फिर 9 सितंबर से 12 सितंबर तक क्या होगा, मुख्य थीम रहेगी पोषण भी और पढ़ाई भी। अब इस थीम के अंतर्गत जो गतिविधियां रहेंगी वो ECC गतिविधि का आयोजन होगा, स्थानीय खिलौनों का उपयोग करके समुदाय को जोड़ने के लिए ECCE खेलो और पढ़ो इस विषय को बढ़ावा, स्थानीय उपलब्ध सामग्री में हस्तनिर्मित जो खिलौने होंगे उनका प्रदर्शन होगा। फिर 12 तारीख को गोदभराई मनाई जाएगी और विचसंडी भी आयोजन कराया जाएगा। अब ऐसे फिर आपका 13 सितंबर से 15 सितंबर को क्या थीम रहेगी, तब थीम रहेगी मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण को बढ़ावा देना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल संरक्षण हेतु वर्षा जल संचयन संरचना बनाना। तो यहां पर यह होगा, इस थीम के अंतर्गत गतिविधियां होंगी, आंगनबाड़ी केंद्रों पर मॉडल वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा, कार्यशाला का आयोजन, समुदाय में जल संचयन के स्रोतों की सफाई के लिए विशेष अभियान और विचसंडी, साथी नुक्कड़ नाटक भी कराए जाएंगे। फिर इसके अलावा फिर 16 सितंबर से 20 सितंबर तक क्या होगा, तो मोटे अनाज एवं पोषण वाटिका का उपयोग करते हुए खाद्य पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। और ऐसे में ये थीम रहेगी और इसके अंतर्गत जो आपके गतिविधियां होंगी समस्त आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, मोहल्ला, वार्ड, इनमें मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थों की रेसिपी प्रतियोगिताएं होंगी, मोटे अनाज का प्रोत्साहन होगा, मोटे अनाज के विषय पर जागरूकता अभियान होंगे और विद्यालयों एवं मदरसे में निबंध चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन होगा, विचसंडी सत्रों का भी आयोजन होगा। अब ऐसे ही फिर 21 सितंबर से 23 सितंबर तक क्या होगा, मुख्य थीम रहेगी आयुष पद्धति तथा योगा। अब इस आयुष पद्धति और योगा थीम के अंतर्गत गतिविधियां क्या होंगी, जागरूकता सत्र का आयोजन होगा, औषधीय पौधों का रोपण होगा, आयुष जीवन शैली हेतु प्रोत्साहन सत्र होगा, योगा कैंप होगा, पोषण वाटिका होगी, साइकिल रैलियां होंगी, रंगोली प्रतियोगिता होगी, विचसंडी मनाया जाएगा, ये सब होगा। फिर होगा आपका तारीख आएगी 24 सितंबर से 26 सितंबर के बीच, थीम रहेगी मेरी माटी मेरा देश और गतिविधियां होंगी पंच प्रण प्रतिज्ञा, अमृत वाटिका का निर्माण, वीरों का वंदन, राष्ट्रीय ध्वज फहराना और राष्ट्रगान करना, हाट बाजार गतिविधि, विजसंडी सत्र, ये सब होगा। फिर 27 सितंबर से 28 सितंबर को मुख्य थीम रहेगी एनीमिया की जांच, उपचार और प्रबंधन, इसके तहत गतिविधियां होंगी अन्नप्राशन जो कि 26 सितंबर को मनाया जाएगा। समस्त ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों, मोहल्लों, वार्डों, इनमें एनीमिया जांच के लिए कैंप लगाए जाएंगे। और 29 सितंबर से 30 सितंबर को क्या होगा, मुख्य थीम रहेगी संपूर्ण पोषण और गतिविधियां होंगी पोषण के 5 सूत्र का संवेदीकरण गतिविधियां, दीप उत्सव और विचसंडी, ये सब कार्य कराए जाएंगे। सब में आंगनबाड़ी है, ग्राम प्रधान है, पंचायत सचिव है, आशा है, एनएम है, ये सब शामिल है, स्वयं सहायता समूह भी शामिल है। तो आप इस तरीके से इन कामों को लेकर के आने वाले समय में जो भी चीजें हैं उनको लेकर के अपनी वस्तु स्थिति से स्पष्ट हो चुके हैं। उम्मीद है आप सबने ध्यान से देखा और जब जरूरत होगी तो उस वीडियो पर पुनः आप आ जाएंगे। इसके लिए चाहें तो अपने फोन में अपनी बहनों को ये वीडियो का लिंक अभी शेयर कर दो और उनके फोन में रहेगा, वो आपको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पर, तो एक आपके फोन में व्हाट्सएप पर ये लिंक वीडियो पड़ा रहेगा। जब जरूरत हो तो अपना खोल करके चेक कर लो कौन सी डेट में कब क्या मैटर करना है। आगे चलते हैं, बता दें अनीता चौधरी बहन संत कबीर नगर जिले से, और जैसा कि आप सबको कल अवगत करा चुके पोषण ट्रैकर का नया अपडेट आ चुका,
कई सारे बदलाव जो बताए गए थे वो सब अब हो चुके हैं। अब ऐसे में आंगनबाड़ी जो है डेली ट्रैकर, आंगनबाड़ी डेली ट्रैकर में क्या क्या भरना, कैसे भरना, तो आंगनबाड़ी स्टेटस का मैंने आपको कल बताया था, सेंटर ओपन करने वाला सबसे ऊपर, फिर अटेंडेंस का रहेगा यानी हाजिरी उपस्थिति का रहेगा, साथ में मॉर्निंग स्नैक्स दिया है, फिर उसके बाद टीएचआर एचसीएम वाला था, टीएचआर एचसीएम में देखो इन बहन ने भरा और सभी का अलग अलग, ये गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, 6 मास से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, सबका दर्शाया गया। अब ऐसे में इन सबको टीएचआर देना अब बहुत ही आसान हो गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक दिक्कत इस समय बनी है जिसको मैं आपको अवगत करा दूं, जैसे कि 19 बच्चे इनके बच्चे नहीं है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें 18 का राशन फीड और जो धात्री में 6 का 5 का फीड, और जो चिल्ड्रन ये वाले हैं 104, इनमें 103 का फीड, और जो 6 से 6 वाले 82, उनमें 81 का फीड, यानी आप देख रहे हैं एक एक लाभार्थी हर कैटेगरी में छूटा हुआ है टीएचआर भरने में, और इन्होंने भरा होगा सो नहीं कर रहा। अब ऐसी समस्या हर बहन के सामने आ रही है, यही मैं आपको अवगत कराना चाह रहा था कि सबके सामने ये समस्या होगी, परेशान ना होना कि मैंने मेरे 19 है 1900 को भरा सो नहीं कर रहा है एक बच्चा, तो वो नहीं कर रहा है, तो ये इस तरह से ऊपर से ही एक टेक्निकल प्रॉब्लम या जो भी होगा वही है, ये सबके साथ हो रहा है। तो स्पेशली आप परेशान इसके लिए ना हो कि जो है ये हो नहीं रहा, हमारा ही नहीं हो रहा या और किसी का नहीं हो रहा, तो सबका नहीं हो रहा। अनीता चौधरी बहन संत कबीर नगर से, अब देखो टीएचआर भरना क्यों आसान, 15-15 दिन का देखो बहन ने यहां पर अपना सेलेक्ट कर लिया सभी लाभार्थियों में जिनको उनको देना, उसके बाद एचसीएम तो मिल नहीं रहा तो इस कॉलम को कुछ उन्होंने छोड़ दिया, टच नहीं किया, टीएचआर वाला भरना था तो ये टीएचआर वाले जो गोले हैं उनको भी बहन ने टच कर लिया और 15-15 दिन वो टच कर लिया, सबको इकट्ठा टच करके बाद में ये सबमिट का बटन सबमिट पे कर देंगी और आराम से सक्सेसफुल हो जाएगा। वरना राशन भरने में आप सबको पता है एक एक लाभार्थी में आप जाती थी पहले 3 डॉट में, उसके बाद पोषण वाले ऑप्शन में, फिर उसके बाद उसमें भी पोषण हस्तक्षेप में, फिर उसमें कहीं जा करके आप संख्या दर्ज करती थी, फिर सबमिट करती थी, फिर थोड़ा टाइम लेता था, फिर बैक होता था, बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत टाइम लग जाता था। अब राशन फीड करने में आपको टाइम जरा सा भी नहीं लगेगा, टच करते जाओ और इधर टीएचआर वाले ऑप्शन में टच करते जाओ, जो ये साइड में दिया हुआ है एचसीएम छोड़ दो क्योंकि अभी ये मिल नहीं रहा, तो जो मिल रहा है टीएचआर वाला गोला भर लो, इधर वाला भर लो और इकट्ठा सबमिट कर दो। अब जब सबमिट हो जाएगा तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली ऐसे लिख करके भी आ जाएगा और समझ लो आपका फीड हो गया और वहां बाहर शो भी करने लग जाएगा। यही तो सारी अच्छी बातें हैं, और पहले ऐसा कुछ नहीं था, पता ही नहीं चलता था इनको दिया तो उनका सबमिट हो गया कि नहीं, क्योंकि सबमिट करने के बाद में थोड़ी देर तक वो अपडेट होता था, टाइम लेता था। अब तो उसमें 2-2, 3-3 बार एक ही बहन बेचारी भूल जाती थी नाम तो भरती रह जाती थी, तो वो समस्या नहीं होगी, भर जाएगा इधर शो करने लग जाएगा। बहन ने लिखा भी है, भैया जी हमारे यहाँ भी आज पोषण ट्रैकर पर नया वर्जन आया, हमने इसमें पोषाहार का वितरण भरा, ये पहले से ज़्यादा ही आसान है। वही चीज़ें मैं भी कह रहा हूँ, बहुत ही आसान हो गया पहले से अब ये चीज़ों को करना, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। मंजू रानी बहन अलीगढ़ से, इन्होंने भी कहा कि भैया जी उत्तर प्रदेश के ब्लॉक चंदौस गभाना से हूँ और सुबह जैसे ही मैंने पोषण ट्रैकर ओपन किया तो नया अपडेट आ गया, हमने उसका एक वीडियो बनाया है, वह भेज रहे हैं। तो बहन ने अपने वहाँ से एक वीडियो भी बनाया और ऑल इंडिया को भेजा, जिसमें अटेंडेंस लगाने के लिए सब बहन ने बताया कैसे क्या है, तो वो मैं कल बता चुका हूँ सबको कि डेली ट्रैकिंग में जाओगे, आंगनबाड़ी सेंटर ओपन करने के लिए सबसे ऊपर होगा उसको कर दोगे, उसके नीचे ये देखो अटेंडेंस लिखा है, मॉर्निंग स्नैक्स लिखा है, तो इसमें अटेंडेंस लगती है, टच करना, अटेंडेंस पर जाना, बच्चे खुल जाएंगे और अपना टच कर लो, इकट्ठा सबको सबमिट कर दो। और जब राशन भरना हो तो ये टीएचआर एचसीएम वाला ऑप्शन उसी के नीचे मिलता है, इसमें भर लेंगे, एक्टिविटी वाला नीचे मिलता है वहां से अपना भर लेंगे, तो थोड़ा ध्यान देंगे और भरेंगे तो सारी चीजें बहुत ही आसान कर दी गई हैं। अगर ऐसे ही वो वजन भरने वाला भी कुछ हो जाए बाहर से इंतजाम कुछ अच्छे तरीके से तो और अच्छा रहे। खैर जो भी है वो आपको बताया गया, आगे ले चलते हैं और अगले वीडियो में फिर आपको मिलते हैं।